हेलो फ्रेंड्स, आपका आरकेयू टेक्निकल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप डाटा शेयरिंग कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप डाटा शेयरिंग कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले डाटा शेयरिंग का मतलब ये होता है कि हम अपने सिस्टम से किसी दूसरे के सिस्टम में बिना किसी पेनड्राइव वगैरह के यूज़ के हम अपना डाटा वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, चाहे वो फ़ोटो हो या फिर कोई फाइल हो। दूसरी बात, ये एक लोकल नेटवर्क में होता है। इसके लिए हमें एक सबसे पहले आईपी देनी होती है अपने सिस्टम को भी और दूसरे के सिस्टम में भी, जहाँ पे ये डाटा शेयरिंग हमें ऑन करनी है। और अगर हमें किसी दो सिस्टम में डाटा शेयरिंग ऑन करनी है तो उसके लिए हमें एक लैन केबल चाहिए होती है, या फिर दो से ज़्यादा हो, 2, 5, 10, 15, 20 अगर सिस्टम हो हमारे पास, तो हम एक स्विच या राउटर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम डाटा शेयरिंग कैसे ऑन करें। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं हम शुरू। दोस्तों हम अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर हैं और सबसे पहले मैं अपनी आईपी चेक कराता हूं आपको क्या है। प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे 4 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 की 65 है हमारी आईपी 192.168.2.65। इसको हम क्लोज़ करेंगे। अब मैं किसी और सिस्टम में आपको चेक कराता हूँ आपको, कोई भी सिस्टम ले लेते हैं हम। यहाँ पे इसका पासवर्ड डालेंगे, वीएनसी में हम किसी भी सिस्टम को कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको चेक कराता हूँ इसकी आईपी। यहाँ पे 1 है, इसको 2 कर देंगे क्योंकि हमें सेम रखनी है आईपी, लेकिन जो लास्ट की डिजिट है वो सेम नहीं रखनी। इसको ओके कर देंगे। ओके में टाइम लगेगा थोड़ा सा। हो गया, ये आईपी चेंज हो गई है। पहले इसकी 1 थी, अब 2 हो गई आईपी। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी सिस्टम की आईपी डालता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले 2 की 65 2.65। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे ये सिर्फ प्रिंटर शेयर है, कोई फोल्डर शेयर नहीं है। मैं अब आपको फोल्डर शेयर करके दिखाता हूँ कि फोल्डर कैसे शेयर करते हैं। इसको क्लोज़ करते हैं, यहाँ से माई कंप्यूटर खोलेंगे, इसमें इस ड्राइव में जाते हैं, सॉफ्ट का ये ड्राइव है, इस पर ये हमारा डाटा है, इसको शेयर करेंगे हम। इस पर राइट क्लिक करेंगे सॉफ्ट वाले फोल्डर पे, प्रॉपर्टी में क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे शेयरिंग पे क्लिक करेंगे, एडवांस शेयरिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शेयर द फोल्डर है इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारा फोल्डर का नाम आ गया, ये सॉफ्ट, और यहाँ पे एडवांस में जाएंगे, ये अलाउ कर देंगे, यहाँ से फुल कंट्रोल पे भी अलाउ कर देंगे, सब कुछ अलाउ कर देंगे, यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से अप्लाई ओके। अब जाएंगे हम सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में सबसे पहले दोस्तों ये ऊपर है यहाँ पे, ये एवरीवन, यहाँ पे हमें एवरीवन सेलेक्ट करना होता है, और यहाँ जो ये टिक टिक हैं इन पे भी क्लिक टिक करना होता है, सिक्योरिटी इसको देनी होती है। तो यहाँ से हम इसको अब क्लोज करते हैं। अब दूसरा सिस्टम हम कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको। पहले दूसरे सिस्टम में खोलेंगे हम, यहाँ पे इसका पासवर्ड डालते हैं, यहाँ पे हम विंडो आर करेंगे। अब जो हमारी सिस्टम की आईपी थी 192.168.2.65, यहाँ पे सॉफ्ट का फोल्डर आ गया, पहले नहीं था, यहाँ पे हमारा सॉफ्ट का फोल्डर आ गया। खोल के दिखाते हैं हम। अगर हम इसको सिक्योरिटी में फुल कंट्रोल इसके परमिशन नहीं देंगे तो सिर्फ शेयर होगा, हम इसको नहीं छेड़ सकते। और यहाँ से अब हम कोई भी फाइल उठा सकते हैं या फिर यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह हम प्रिंटर भी शेयर करना, मैंने बताया था, मैं उसमें लिंक दे दूँगा आपको वीडियो में, आप देख लेना कैसे प्रिंटर शेयर होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू दोस्तों।